स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूपी के औरैया में सदर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर अंतर जनपदीय 9 चोरों को गिरफ्तार किया। तो वहीं पुलिस ने नकदी और चोरी के काम आने वाले सामान और गाड़ी को भी बरामद किया है, जिसमें नकदी 1,40,000 रुपए और फोन भी बरामद किया गया है। पुलिस के आला अधिकारियों के अनुसार पकड़े गए आरोपियों में गैंग का सरगना सुधीर कश्यप और प्रदीप बाथम है। इस गैंग में 8 अपराधी जनपद कन्नौज के, 1 जनपद औरैया का रहने वाला है। गिरफ्तार आरोपियों के ऊपर पुलिस ने संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। थाना कोतवाली पुलिस की एडिशनल एसपी साहब और सीओ सिटी साहब और थाना कोतवाली प्रभारी के निर्देशन में एक बहुत अच्छा गुड वर्क किया गया है। और अभी हाल फिलहाल हमारे जनपद में कई जगहों पे ऐसी चोरी की वारदातें सामने आ रही थी, जिसको लेकर के मुखबिर तंत्र हमने एक्टिवेट किया और उसके उपरांत हमें ये 9 अपराधी हमारे गिरफ्त में आए हैं। ज़्यादातर ये बाहर जनपद के रहने वाले हैं और घूम घूम करके गाड़ी से रेकी करके ये घरों को निशाना बनाते थे, और ऐसे घरों को निशाना बनाते थे जिसमें बाहर से ताला लटकता रहता था। इनके पास से 2 गाड़ियां बरामद हुई हैं, जिसमें एक टाटा सफारी है और एक ओमनी कार है। साथ में 1,40,000 रुपये बरामद हुए हैं, कुछ आभूषण बरामद हुए हैं और नाजायज असलाह बरामद हुए हैं। साथ में जो लॉक काटने के कटर्स होते हैं वो भी बरामद हुए हैं। पूछताछ में इन्होंने ये बताया है कि ये रातों में निकल करके दुकानों की और घरों की रैकी किया करते थे, और साथ में कुछ कुछ मंदिरों की भी रैकी किया करते थे जहाँ दान पात्र वगैरह रहते थे, और ऐसे घरों को और ऐसी दुकानों को ये निशाना बनाया करते थे। अभी पुलिस द्वारा इनके जो और भी आपराधिक इतिहास है उनकी पूछताछ की जा रही है। और इसमें इन्होंने ये भी बताया कि इस जनपद के साथ साथ जो औरैया से लगे हुए और जनपद हैं, जैसे कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर, इटावा, ऐसे जगहों में भी जाकर ये लोग वारदात किया करते थे। तो एक ये अच्छी सफलता पुलिस को हाथ लगी है और इन सभी से को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ में जो भी अब ये साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत करके इनको कठोर से कठोर सजा दिलवाई जाएगी। देखिए, इसमें जो ये प्रदीप बाथम और सुधीर कश्यप नाम के जो लोग हैं, ये मुख्य रूप से इसमें काम करते थे और सबको रैकी करवाते थे। और भी जो इनके गैंग के साथ में लोग लगे हुए हैं उनके बारे में भी जानकारी इकट्ठा करी जा रही है, और भी लोग इसमें प्रकाश में होंगे, उन सबके खिलाफ कार्रवाई की। तो वहीं यूपी के बदायूं में रोडवेज बस और इको कार में भीषण टक्कर हो गई, जहां टक्कर में 4 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं 6 मजदूर घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं एक गंभीर घायल व्यक्ति की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। बता दें कि हरियाणा के चरखी दादरी से बदायूं के जमालपुर मजदूर लौट रहे थे। ये पूरा मामला मुजरिया थाना क्षेत्र के मटकुली गाँव के पास का है। तस्वीरें स्क्रीन पर है आपकी, ये बदायूं की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ रोडवेज बस और इको कार के बीच भीषण टक्कर हो गई। इसके बाद घायलों को फिलहाल अस्पताल पहुँचाया गया और इस बीच 4 मजदूरों की भी मौत हुई है। आज दिनांक 16 मार्च को थाना क्षेत्र मुजरिया जनपद बदायूं में एक एक्सीडेंट की घटना हुई है, जिसमें एक इको गाड़ी जिसमें 10 लोग सवार थे और एक खड़ी हुई रोडवेज में पीछे से टक्कर लगी और गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें मौके पर 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और शेष 7 लोगों को जिला चिकित्सालय बदायूं तत्काल पहुँचाया गया। उपचार के दौरान एक अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इस प्रकार कुल 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 6 लोग उपचाराधीन हैं, जिसमें ज़्यादा गंभीर 3 लोगों को बरेली के लिए रेफ़र कर दिया गया है। जानकारी करने पर विदित हुआ कि इसमें ये सवार सभी 10 व्यक्ति जो मूल रूप से थाना हजरतपुर के रहने वाले थे और चरखी दादरी हरियाणा में मजदूरी का काम करने गए हुए थे, और ये होली के त्यौहार पर वहीं से वापस लौट रहे थे और ये घटना घटित हो गई। और जो इसमें मृतक हैं उनके परिजनों से संपर्क करके उनसे वार्ता की जा रही है, और इस संबंध में अभियोग थाना मुजरिया में पंजीकृत कराया जा रहा है, और जो उपचाराधीन व्यक्ति हैं उनका इलाज हो इसके लिए लगातार फॉलोअप लिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज लखनऊ से महमूदाबाद जाते समय बाराबंकी की कुर्सी विधानसभा क्षेत्र में चाय पीने के लिए एक दुकान पर रुके। चाय पीते पीते उन्होंने लोगों से बातचीत भी की और कहा कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में खुलेआम बेईमानी की है। कुर्सी विधानसभा क्षेत्र की चाय की दुकान पर लोगों से काफी देर तक हंसी मजाक किया। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि गांव में पैसे बांटे गए और ये बात हम सबको पता है।
जौनपुर के शाहगंज नगर पालिका ने होली की तैयारियों को लेकर कमर कस ली है, जहां बेहतर सफाई व्यवस्था और पर्याप्त पेयजल आपूर्ति के निर्देश दिए गए। साथ ही चेयरमैन प्रतिनिधि प्रदीप जायसवाल ने क्षेत्र में बने होलिका दहन स्थल का जायजा भी लिया। दरअसल 17 मार्च को होलिका दहन है और 18 मार्च को होली का त्यौहार है, इसको लेकर सभी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। साफ सफाई से लेकर पेयजल आपूर्ति तक सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। होली और शबे बारात पर्व एक साथ पड़ने पर नगर पालिका प्रशासन ने चिन्हित स्थानों पर भी साफ सफाई का बंदोबस्त किया हुआ है। देखिए, मैं प्रदीप जायसवाल, चेयरमैन श्रीमती गीता जायसवाल का प्रतिनिधि हूँ। नगर पालिका परिषद शाहगंज की तरफ से सर्वप्रथम नगरवासियों को ढेर सारी शुभकामना। इस बार का होली का जो त्यौहार है, जुमा के दिन पड़ रहा है, उस दिन हमारे मुसलमान भाइयों की शबे बारात की त्यौहार भी है, तो मैं नगर पालिका की तरफ से लोगों से अपील करूंगा कि होली सौहार्द का त्यौहार है, बहुत ही सौहार्दपूर्ण ढंग से नगर के नौजवान साथी होली को मनावें, राजी खुशी से मनावें। नगर पालिका प्रशासन की तरफ से साफ सफाई, दवा का छिड़काव, सारी व्यवस्था कर्मचारियों को बुलाकर दुरुस्त कर दी गई है। होली पर समय से वाटर सप्लाई का भी व्यवस्था होगा, सफाई की भी व्यवस्था होगी। जैसे शाहगंज में परंपरा है कि सुबह से दोपहर 2 बजे तक रंग का प्रयोग लोग होली के दिन करते हैं, उसके बाद रंग का प्रयोग कतई बंद हो जाता है और शाम को अबीर सूखे कलर का त्यौहार करते हैं। उस परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं सभी शाहगंज वासियों से निवेदन करूंगा कि इस बार का त्यौहार हंसी खुशी से मनाते हुए किसी को का कपड़ा ना फाड़ें, किसी को बार्निश ना लगावें, मतलब अच्छे ढंग से त्यौहार मनाएं, यही नगरवासियों को मेरा संदेश है। लखनऊ के अलीगंज थाना क्षेत्र स्थित पुरनिया कबाड़ मंडी में बुधवार तड़के आग लग गई। आग से 1.5 दर्जन से ज्यादा झोपड़ियां जलकर राख हो गई। आग से झोपड़ी पट्टियों में रखे 2 सिलेंडर में ब्लास्ट होने से अफरा तफरी भी मच गई। आग बुझाने में 2 लोग झुलस गए। दमकल कर्मियों ने 10 गाड़ियों की मदद से करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग से लाखों के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं, कबाड़ी मार्केट की जो आग लगी, भीषण आग के चलते लाखों का नुकसान भी हुआ। उसी जगह की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आग लगने के चलते लाखों का नुकसान हुआ, तो वहीं काफ़ी देर तक अफरा तफरी भी मची रही। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया। बस्ती के हरैया तहसील में कर्मचारियों और वकीलों के आपसी मुकदमेबाजी से लामबंद कर्मचारियों ने तहसील में तालाबंद कर दिया। बता दें कि तहसील कर्मचारी लामबंद होकर तहसील के सभी कमरों में ताले लगा दिए गए। साथ ही कर्मचारी तहसील परिसर में धरने पर बैठ गए, तो वहीं इस बात को लेकर तहसील परिसर के अधिवक्ता लामबंद होकर तहसीलदार मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे, जिसको देखकर तहसील प्रशासन ने तहसील में कई थानों की फोर्स लगा दी। मौके की नजाकत भाप कर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कर्मचारियों को समझा बुझाकर कुछ देर बाद ताला खुलवाया, फिर भी आने वाले फरियादी मायूस होकर लौटने को मजबूर हुए। वो आकर के तहसीलदार न्यायालय के सामने कुर्सी लगा कर लाइन से बैठे हुए थे, और मैंने पूछा किस लिए, कहे कि हमारे मुंशी को, प्राइवेट मुंशी को इन लोगों के महिलात ने डराया और धमकाया है, भगाया है। तो हम कहे आप लोगों तो ने कुछ कहा, कहे नहीं, हम लोग क्या कहते, हम लोग कहते तो मारते पीटते उनको हम। तो क्या तहसील में प्राइवेट मुंशियों का राज चल रहा है? हाँ जी हाँ, दलाल है तहसीलदार, SDF सारे लोग, केवल मुंशी से, सारे अधिकारियों के और RK के दलाल है, वो लोग फिट हुए हैं। कितने ऐसे प्राइवेट मुंशी हैं? कम से कम 15 से 20। तो क्या ये उचित है सरकारी कर्मचारी? जी नहीं, जी नहीं, इसी का विरोध हो रहा है, इसीलिए SDM महोदया जबरदस्ती दबाव अधिवक्ता डाल रही है। मेरे संज्ञान में आया है और जो हमारे हरैया की बार के जो भी पदाधिकारी हैं उनके साथ हम सामंजस्य काम करके बैठक करके इसको सॉर्ट आउट कर देंगे।
ऐसा कोई भी इशू नहीं है जो हम बैठ के मिल के रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, और कार्य निरंतर चलता रहेगा और जनता की जो भी समस्याएं हैं उनका समय पे निराकरण कर दिया जाएगा। ठीक। खबर उधम सिंह नगर से, जहां एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने आज एसएसपी उधम सिंह नगर का पदभार ग्रहण किया है। इस दौरान उन्होंने अपनी प्राथमिकता भी गिनाई। बता दें कि जनपद के नए कप्तान मंजुनाथ टीसी ने आज 34वें कप्तान के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने थाना प्रभारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सड़क हादसे उनके क्षेत्रों में कम हो के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। अगर हादसे में लगाम नहीं लगेगी तो पोस्टिंग भी उसी आधार पर की जाएगी। उन्होंने बताया कि अब थाना क्षेत्रों में होने वाले हादसे के लिए थाना अध्यक्षों को भी जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि जनपद में ड्रग एक समस्या बनी हुई है जिससे कार्रवाई की जाएगी। शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि अब रात्रि 10 बजे के बाद ही भारी वाहनों की एंट्री दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्राथमिकता जनपद में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना है। आज एसएसपी उधम सिंह नगर के कार्यभार प्रमाण हमने यहाँ पे कार्यभार ग्रहण किया है। तो इसके पूर्व में भी 5 साल पहले लगभग 1 साल का कार्यकाल मेरा रहा है एएसपी के रूप में। तो यहाँ उधम सिंह नगर का अपने आप का चैलेंजेस है। सबसे पहला तो ये सीमावर्ती जनपद है जहाँ से क्राइम हो या ड्रग्स हो, ड्रग्स ट्रैफिकिंग हो, इन सब का चैलेंजेस रहता ही है, इंटरस्टेट क्राइम्स का। उनको प्रभावी रूप से टैकल करना है, इसके लिए आंसर है प्रभावी पुलिसिंग, नॉर्मल पुलिसिंग को सुदृढ़ीकरण करना। उसके अलावा एक आज की डेट में ड्रग्स एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इश्यू बन गया है युवाओं में। तो ड्रग्स को टैकल करने के लिए हमारे को 2-pronged स्ट्रैटेजी है। एक तो माल या फिर नशेली सब्सटेंसेस को बरामद करना, दूसरा युवाओं को अवेयर करना, अवेयरनेस और एजुकेशन करा के उनको नशे की तरफ से दूर लेके जाना। तो इस प्रकार की कार्यक्रमों को भी कराना। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ट्रैफिक। ट्रैफिक में भी हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, जिस पर हम छोटी छोटी कदम उठाएंगे। कोई भी डायरेक्ट और बड़ा कदम ना उठाने से छोटे छोटे इंक्रीमेंटल स्टेप्स यूज़ करके, जिससे दो चीज़ें हो जाए, एक तो एक्सीडेंट्स कम हो जाए, दूसरा लोगों का आम सफ़र जो है उसको। वहीं लक्सर शुगर मिल में लगातार घटतौली को लेकर हर रोज हंगामा देखने को मिल रहा है। आज एक बार फिर घटतौली को लेकर किसानों ने हंगामा किया, जिसकी सूचना किसानों ने खानपुर विधायक उमेश कुमार को दी। वहीं सूचना मिलते ही विधायक उमेश कुमार लक्सर शुगर मिल पहुंचे और शुगर मिल प्रबंधन से वार्ता की। उन्होंने कहा कि हमने SDM से बात की है कि घटतौली को लेकर मुकदमा दर्ज कराया जाए। उन्होंने कहा मुकदमा दर्ज कराकर कांटे की जांच भी कराई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा किसानों के साथ छल हो रहा है, किसानों को ठगा जा रहा है। अगर उनके क्षेत्र में ऐसा हुआ तो वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वह कोई भी हो। भाईयन की ट्रोली आई थी मील में, ये मील वालों ने कांटा करा अपना पहले कांटे पर, ठीक है जी। और उसके बाद में जब हमने मील में दूसरे कांटे पे करा चिन्नी कांटे पे, उसमें ये आया डिफरेंस। हाँ, उसके बाद चेयरमैन वगैरह ने आके समझौता करा दिया और इन्होंने हमारी पर्ची खाली करा दी। उसके बाद में हमें यह दे दी, हम 1 घंटे से परेशान हैं। जब किसी ने नहीं सुनी, फिर हमने माननीय विधायक जी पे फ़ोन किया, वह तत्काल आए। तो ये आज सारे जितने भी अधिकारी है सारे लाइन में खड़े हुए हैं, वरना ये पंखे के नीचे से निकलना पसंद नहीं कर रहे थे। 1 घंटे से हम लिए हुए फिर रेस पर्ची को, खाली ट्राली बाहर खड़ी है जी, जिसे शक हो जाके देख लो। और ये इनकी हालत है, और ये आज से नहीं, पिछले 10-15 दिन से चल रहा। कह दें कि जो हो जाएगा कह दें हो जाएगा, और होता कुछ नहीं है। एक हमारे किसान हैं, उनकी शिकायत आई कि गन्ना मिल में जो कांटा लगा हुआ है उस पर उनकी जो ट्रॉली थी वो तुलाई करवाने के बाद आगे गए, तो उनको शक हुआ कि मेरी ट्रॉली में गन्ना ज़्यादा है, तो उन्होंने दूसरे कांटे पर उसकी तुलाई करवाई। तो पहले कांटे पर 85 के करीब तुलान हुआ था, दूसरे पर हुआ 94, तो ये लगभग 9 क्विंटल का फ़र्क आया, लगभग 5,000 रुपये के गन्ने का फ़र्क आया अगर कीमत देखें तो। उन्होंने जब यहाँ पर काफ़ी देर से परेशान थे, सबको फ़ोन कर रहे थे, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, उनका फ़ोन हमें पहुँचा तो मैं तत्काल यहाँ शुगर मिल पहुँचा, यहाँ पे इनके अधिकारियों से बात की है। SDM को मैंने बोल दिया, मैंने कहा अभियोग पंजीकृत करें, मुकदमा दर्ज करें, पुलिस बुलाई है, मुकदमा दर्ज करा के कांटे की जांच कराएंगे, क्योंकि अगर किसानों के साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है, वो तो छला जा रहा है उनको, तो ये ठीक नहीं है। और अगर मेरे क्षेत्र के किसान को कोई तो मैं बिल्कुल बख्शने वाला नहीं, कोई भी हो।
उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी में इस्तीफा देने का दौर शुरू हो गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस्तीफा दिया आज। इसके अलावा पार्टी की सह प्रभारी दीपिका पांडे ने भी पिछले दिनों अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब पार्टी में उन सभी नेताओं से इस्तीफा देने की बात कही जा रही है जो चुनाव में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहे। पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि ये चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा गया है और ऐसे में अब केंद्रीय नेतृत्व की ओर से जब प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा देने को कहा गया तो उन्होंने सबसे पहले इस्तीफा दे दिया। अब बाकी अन्य सभी नेताओं को इस्तीफा देना चाहिए जो चुनाव से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहे। कांग्रेस में जो अच्छे अच्छे लोग थे, या तो आप कांग्रेस में नहीं रहे हैं या कांग्रेस को छोड़ के अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी दलों में चले गए हैं। इसलिए कांग्रेस में जो परिवारवाद के कारण, जो वहां गांधी परिवार का जो वर्चस्व है उसके कारण कांग्रेस नेपथ्य में जा चुकी है और आगे और भी बुरे हाल कांग्रेस के होने वाले देश में। इसलिए कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को इस पर विचार करना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष जी ने पहले भी कहा था नैतिकता के आधार पर मैं इस्तीफा दूंगा और हाईकमान के इशारे की इंतजार थी और कल हाईकमान की तरफ से इशारा होते ही पांचों राज्यों में जहां जहां चुनाव हुए हैं वहां के प्रदेश अध्यक्षों को इस्तीफा मांगा गया तो सबसे पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस्तीफा दिया है नैतिकता के आधार पर। लेकिन हमारा मानना ये भी है साथ साथ कि अध्यक्ष जी का इस्तीफा आया है तो क्योंकि चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा गया है, क्योंकि व्यक्ति एक व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी नहीं मानी जा सकती। हमारा मानना यह है कि सारे लोगों ने, जो भी लोग चुनाव से प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जुड़े, मैं समझता हूँ सबको त्यागपत्र देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस वेलफेयर बोर्ड का गठन होगा। यह बोर्ड शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण संबंधी नियमों के पालन की निगरानी करेगा। यह बोर्ड समय समय पर पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए सरकार को अपनी सिफारिशें भी देगा। इसमें तकनीकी व शिक्षा विभाग और भर्ती आयोगों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि शामिल होंगे। ऐसा प्रयोग करने वाला यूपी देश का पहला राज्य होगा। शासन ने 2 से 3 दिन के अंदर इस बोर्ड का प्रारूप मांगा है। इसके अनुसार समाज कल्याण मंत्री प्रदेन अध्यक्ष और समाज कल्याण राज्य मंत्री प्रदेन उपाध्यक्ष होंगे। शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, चिकित्सा शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव इस बोर्ड के सदस्य होंगे। यूपी लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष या उनकी ओर से नामित अधिकारी भी बोर्ड में शामिल होंगे। इस प्रारूप को नई सरकार के गठन के तत्काल बाद होने वाली कैबिनेट में रखे जाने की योजना है। खबर रुद्रप्रयाग से है जहां सवाल खड़ा हो रहा है कि 2 जगहों पर खनन कारोबारियों ने खेल खत दिया। आरोप है कि खनन कारोबारियों ने बिना अनुमति के मंदाकिनी नदी पर सड़क बना थी। इसके लिए उन्होंने बोल्डर और मिट्टी भरकर नदी के प्रवाह को भी रोक दिया। ये सब कुछ होने के बाद भी प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। बताया जा रहा है कि खनन कारोबारियों की इस हरकत से मंदाकिनी नदी का जल प्रवाह रोके जाने से पर्यावरणविद भी खासा चिंतित हैं। पहले ही एलएनटी जल विद्युत परियोजना की वजह से मंदाकिनी नदी सूख चुकी है और ऊपर से खनन कारोबारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। ना ही वो एनजीटी के नियमों का पालन कर रहे हैं और ना ही उसमें प्रशासन का खौफ नजर आ रहा है। ऐसे में जीव जंतुओं के अस्तित्व पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। उत्तराखंड, हिमालय की जो नदियां हैं इनका पारिस्थितिकीय तंत्र बहुत सेंसिटिव है। इनमें विशेष प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं और कुछ प्रजातियां ऐसी हैं कि जो विलुप्त की कगार पे हैं। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि केदार घाटी की जो हमारी सबसे पवित्र नदी है मंदाकिनी, जो कि बाबा केदार से निकल कर आती है, पहले ही इसमें कई डैम बने हैं जो रन ऑफ हैं, जिसके कारण इस नदी का पारिस्थितिकीय तंत्र जो है गड़बड़ा गया है। और उसके बावजूद भी जो खनन माफिया हैं ये इस नदी में रेत, बालू और पत्थरों के लिए जो अपने यंत्र हैं, जो अपने जेसीबी हैं, ये नदी में बीच नदी में लेके खनन कर रहे हैं, कि जो कि बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और इस पे जो सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि जो उसमें पाए जाने वाले जलीय जीव जंतु हैं, जो एक नदी में पाए जाते हैं, जो एक नदी के पानी को ठीक रखते हैं, बैंथॉस, जू बैंथॉस, बड़ी मछलियाँ, छोटी मछलियाँ, एल्गी, सहवाल, ये सारे खत्म हो रहे हैं। ऐसी सूचनाएं जो है आचार संहिता से पहले ही जो है इस प्रकार का संदेश पूरे प्रदेश में जा रहा था, जो भारतीय जनता पार्टी ने नया मुख्यमंत्री, तीसरा मुख्यमंत्री उत्तराखंड में बनाया था अपनी पिछली पंचवर्षीय कार्यकाल का,
तो उनका संबंध जो खनन माफियाओं के साथ लेकर चल रहा था, उस बात की प्रमाणिकता इस बात से हो गई है कि जैसे हमारे रुद्रप्रयाग जिले में भी आप देखिए खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं, वो नदियों का सीना चीरने के लिए तैयार हैं, नदियों के बीचों बीच जो है नदी का रास्ता रोकने के लिए तैयार हैं, NGT के मानकों का जो खुलेआम जो है उल्लंघन करने के लिए तैयार हैं, और प्रशासन का कोई नुमाइंदा उनकी तरफ नहीं देख रहा है। खनन माफियों के साथ जो है खनन विभाग की सांठगांठ, जिला प्रशासन की सांठगांठ एकदम लिप्त है, जिसके चलते बेरोक टोक वो जो है नदियों का सीना चीरने के लिए एकदम तैयार बैठे हैं, और सरकार में भी उनको संरक्षण देने वाले बैठे हैं, इसलिए उन्हें किसी कानून और नियम की परवाह न करते हुए जो है वो निरंतर कार्यों को अंजाम देने। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।